दोस्तों हम आदिवासी अंचल में हैं और ये है कुरई। कुरई जो कि एक आदिवासी ब्लॉक है सिवनी ज़िले का मध्य प्रदेश में। जंगलों के बीच बसा यह गांव दरअसल आसपास के जंगल के अंदर रहने वाले ग्रामीणों के लिए बाजार का भी काम करता है। जी हाँ, बाजार का काम इसलिए कह रहा हूँ कि जब आसपास जंगल के रहने वाले ग्रामीण जन किसी चीज़ के ख़रीदने के लिए कहीं जाते हैं तो वह यही जगह होती है। दरअसल लॉकडाउन के समय से बाजारें बंद थीं। जब लॉकडाउन हटने लगा धीरे धीरे बाजारें भी खुलने लगीं। इस क्षेत्र की ये लॉकडाउन के बाद पहली बाजार है जो स्थानीय विधायक के कहने पर मांग करने पर चालू की गई है। आज हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि लॉकडाउन के बाद इस पहली बाजार पे वो कैसा महसूस कर रहे हैं और साथ ही उनसे चर्चा करेंगे कि किस दौरान उनका घर बार कैसा चला। चलते हैं हम कुछ लोगों से बात करेंगे। लॉकडाउन के बाद ये पहली बाजार है और पहली बाजार में आप आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बस ठीक महसूस कर रहे हैं। वैसे इतने दिनों तक धंधा पानी कैसा चल रहा था जब लॉकडाउन था? तो नहीं, घर पे ही बैठे थे। घर पे बैठे थे तो फिर खर्चा पानी? वो तो जो गोपालगंज में एक दुकान लगती थी ना अपनी। अच्छा, गांव में दुकान लगाते थे अपनी, है ना? हाँ। हम और लोगों से पूछेंगे कि बाजार का क्या फायदा महसूस कर रहे हैं वो लॉकडाउन के बाद। अरे इधर तो बाजार में कुछ नहीं मिल रहा है ही नहीं बाजार में कुछ। लॉकडाउन के बाद ये पहली बाजार है। हाँ। तो बाजार खुलने की खुशी है या नहीं? हाँ, खुशी तो है, बहुत खुशी है, लेकिन सामान पूरा आ नहीं पा रहा है। पहली बाजार है। हाँ, पहली बाजार। तो क्या लगता है आपको कि ये एक अच्छा कार्य हुआ? हाँ, अच्छा कार्य हुआ ये। इस दौरान जब ये बाजार नहीं खुल रही थी जी। तो आप किसी सामान को जब आपको खरीदना होता था, जरूरी सामान होती थी, तब क्या किया करते? जब वो अब सिवनी से लाना पड़ता था मजबूरी की हालत में। तो यहाँ से 30 किलोमीटर आप 30 किलोमीटर दूर है। हम और लोगों से बात करेंगे, अब देखते हैं उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ लॉकडाउन के दौरान, कैसा उनका वक्त गुजरा। हमारे साथ एक काका जी हैं, हम इनसे पूछेंगे। काका, लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुकानें बंद थी, धंधा पानी बंद था, तो उस दौरान आप रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे थे? मजदूरी कर रहे थे हम लोग तो। मजदूरी कर रहे मजदूरी कर रहे थे। तो इस दौरान जब आप मजदूरी कर रहे थे तो घर में क्या स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी? पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है और क्या। अच्छा, अभी जब दुकान खुली है तो कुछ आशा है कि अब धंधा पानी में कुछ ठीक है? आशा है कि अब बढ़ोतरी बनेगी, ये आशा लग रही है। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे जो बाजार में आए हैं। ये सिंगाड़े वाली बाई हैं, यहाँ पे सिंगाड़ा बेच रही हैं। हम इनसे पूछेंगे, अभी इतने दिन जब दुकान बंद थी तो घर का खर्चा पानी कैसा चल रहा था? बोलो, घबराओ मत, बोलो। खर्चा पानी कैसे चल रहा था इतने दिनों? चला रहे थे कैसे भी। दिक्कत हो रही थी? हाँ, दिक्कत हो रही। जब बाजार खुली है तो कुछ खुशी होती है? हाँ, हो रही ना खुशी। खुशी हो रही है। तो हम और भी लोगों से पूछेंगे यहाँ पे। ये एक ताले वाले भैया हैं और भी दूसरे सामान यहाँ बिक रहे हैं जो खेती और किसानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इतने दिनों जब काम धंधे बंद थे, लॉकडाउन का समय था, बाजार नहीं लग रही थी, क्या आप बाजार बाजार घूमते हैं भैया? बताएंगे भैया, बाजार बाजार जाते हैं। तो इतने दिन तक बाजार नहीं लग रही थी तो फिर कैसा घर का खाना पीना, रोजी रोटी कैसे चल रही थी? जो पास में था उसी को खा रहे थे और क्या। कुछ समस्या भी पैदा हुई इस दौरान? बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई। अब जब बाजार खुल गई है तो क्या लगता है आपको? बाजार क्या आज ही आगे बैठे हैं, आज ही से चालू हुआ है बाजार। देखिए, ये आदिवासी अंचल है, पूरे अंदर से गांव के लोग आते हैं। हम लोगों से बात करेंगे अभी, कुछ लोग और हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। असल में क्या, लोग घबराते हैं बात करने से क्योंकि ये देखिए कुछ लोग कपड़े भी बेच रहे हैं यहाँ पे। गर्म सर्दी आ गई है, गर्म कपड़े बेचना है उन्हें। अब जब लॉकडाउन के बाद पहली बाजार है तो गर्म कपड़े का भी शायद कपड़े भी बेच रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बाजार है आपकी? हाँ, पहली बाजार है ना। तो इस दौरान जब दुकान बंद रही तब कैसा, घर से ही चल रहा था सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर से ही चल रहा था, देहात घूमने रहते थे। देहात। अच्छा, गांव-गांव घूमने जाना पड़ रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोरोना का डर नहीं रहता था उस टाइम पे? रहता था फिर भी, अब क्या करेंगे, अब पेट पेट पेट।
पेट के लिए थे। मैं पूछूंगा कि घर चलाने के लिए फिर इतनी जो मशक्कत करनी पड़ रही थी, अब जब बाजार खुल गई है तो क्या लगता है आपको, क्या बाजार फिर से चालू करना ही पड़ेगा वो मतलब आप बहुत खुश हैं आज? बिल्कुल। चलिए, ये बहुत खुश हैं। लोग यहाँ पे खरीदी करने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। ये काका जी हैं, बढ़िया कैप लगाए हैं। अच्छा, समझ भाई हैं। अच्छा, हाँ मुझे पता नहीं था, मगर आपका कैप बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पूछूंगा कि इस दौरान जब आप लॉकडाउन का टाइम था तो बाजार नहीं खुल रही थी, तो चीज़ों को खरीदना जो ज़रूरी सामान है, जो दिक्कतें होती थी उनसे कैसे निपटते थे? वो साइकिलों में आते थे लेने, उन लोगों से लेते थे। अच्छा, जो घूम घूम के बेच रहे होते थे। तो कोरोना का कहर था, खैर जो अब खत्म हो चुका है इस क्षेत्र से। कोई कहर मेहर नहीं है, सब चूतिया बनाने वाले हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो नहीं था। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा कि बाजार खुल गया तो खुशी जो है जो किस तरह की हो रही है? हर टाइप से हो रही है। मतलब धंधा पानी वगैरह, क्या काम क्या आपका? हमारी खेतीबाड़ी है, चप्पल जूते की दुकान है, तो ढाबा है। कुछ बिजनेस बढ़ेगा अब? क्या बढ़ेगा, पैसे नहीं लोगों के पास, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के लोग थे, बात कर रहे थे हम काफ़ी लंबी। ये एक दुकान दिख रही है, वहाँ चलते हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं और उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब्जी भाजी भी बिक रही है, फल फ्रूट भी बिक रहा है। लॉकडाउन के दौरान इन चीज़ों के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता था, और उसके बाद जब ये पहली बाज़ार है वो भी आदिवासी अंचल की, तो पूछना तो बनता है। ये बताइए कि जब बाज़ार नहीं लग रहा था, आपको घूम फिर के ठिलिया है तो आप तो घूम के बेच लेते होंगे, तो उस दौरान क्या समस्याएं हुई आपको? हाँ, परेशानी आती है, इधर उधर अभी घुमाना पड़ता है, नहीं तो एक जगह बैठते थे। अच्छा। थोड़ा बहुत निकलता था। रहने वाले यहीं के हैं बाहर के? यहीं के हैं। हाँ, तो यहाँ तो काफ़ी चल जाता होगा? नहीं, उतना नहीं चल रहा। इस तरह नहीं, उतना नहीं चलता है लॉकडाउन के। मतलब लॉकडाउन के बाद अब जब दुकानें खुलना शुरू हुई, जब मतलब बाजार लगना चालू हुई, तब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ अब चालू, मतलब अच्छा लग रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। हाँ, लोगों के अंदर खुशी है और होगी भी, क्योंकि जब बाजार खुलता है तो तरह तरह का सामान एक ही जगह मिलना शुरू हो जाता है। कुरई जो कि एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जो आजू बाजू जंगल के अंदर गाँव से घिरा हुआ है, जंगल के रहने वाले वे लोग जब कुछ खरीदारी करना होता है तो कुरई की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश का यह एक ऐसा ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से जंगलों से घिरा हुआ है। करीब में ही पेंच नेशनल पार्क है, और पेंच नेशनल पार्क से लगा यह गांव कई बार जंगली जानवरों के, इस गांव के आसपास के लोग जंगली जानवरों से भी शिकार होते हैं। तो फिर उनसे बचते हुए लोगों को जब खरीदारी करना होता है तो यहीं आना होता है, तो फिर खुशी होगी बाज़ार खुलने की, और उस खुशी को हमने महसूस भी किया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अगर Facebook में देख रहे हैं तो लाइक करें। ट्रिब्यून हिंदी.com के लिए ज़करिया खान, कुरई, मध्य प्रदेश।